हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल राम राम, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल K2K मोटो व्लॉग्स। सो गाइस, होंडा CB150R के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज फिर से इस बाइक के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बाइक थाईलैंड के अंदर कम्प्लीटली रिवील हो गई है और थाईलैंड में होंडा ने इस बाइक को नाम दिया है होंडा CB150R स्ट्रीटर, क्योंकि ये एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है तो होंडा ने इस बाइक का नाम रखा है स्ट्रीटर। इस बाइक की पहले ऑफिशियल टैगलाइन थी एक्स मोशन, जो कि था एक्साइटिंग मोशन, लेकिन यार अभी होंडा ने इसकी ऑफिशियल टैगलाइन को चेंज किया है और अभी इसकी ऑफिशियल टैगलाइन है द स्ट्रीटर। तो यार ये बाइक थाईलैंड के अंदर कम्प्लीटली रिवील हुई है और होंडा ने इस बाइक में थोड़े से चेंजेस भी किए हैं। तो यार बात करते हैं होंडा CB150R के थाईलैंड वाले वेरियंट के बारे में। सो गाइस, इस बाइक में 149cc का इंजन है जो कि लिक्विड कूलिंग फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, और सबसे खास बात यह है कि यार इसमें DOHC इंजन है ना कि SOHC। DOHC इंजन बेटर होते हैं SOHC से। DOHC इंजन की वजह से बाइक मोर पावरफुल होती है, मोर स्मूदर होती है। तो ओवरऑल यार न्यू रेट्रो डिज़ाइन है इस बाइक का, और ये बाइक बेस्ड है होंडा की ही CB300R पे, और ये बाइक डायमंड चेसी पे बेस्ड है। 149cc का इंजन जो कि पावर जनरेट करता है 20 BHP की एंड 15 Nm ऑफ टॉर्क। इस बाइक का वेट है सिर्फ 123 kg, तो यार काफ़ी लाइट वेट बाइक है, और इसकी फ्यूल कैपेसिटी है 5.8 लीटर्स की। इस बाइक में ड्यूल चैनल ABS है। तो ड्यूल डिस्क के बारे में बात करते हैं, इस बाइक की जो फ्रंट डिस्क है वो है 296mm की और रियर डिस्क है 220mm की। तो यार अब बात करते हैं इस बाइक के पावर टू वेट रेशियो के बारे में। ये बहुत ही लाइट वेट बाइक है क्योंकि यार 123 kg इस बाइक का वेट है। इतना वेट हमारे यहाँ 125cc की बाइक्स में होता है, तो नो डाउट यार इस बाइक का पावर टू वेट रेशियो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर करें यमहा की MT-15 और R15 V3 से, तो उन दोनों बाइक्स में 155cc का इंजन है और 19 BHP की पावर है प्लस 15 Nm ऑफ टॉर्क है, लेकिन उन दोनों बाइक्स का भी इतना लाइट वेट नहीं है। तो उस हिसाब से इस बाइक की पावर और टॉर्क बहुत ही बढ़िया है, और पावर टू वेट रेशियो भी इस बाइक का बहुत अच्छा है। लाइट वेट होने की वजह से इस बाइक की पावर बहुत ही अच्छी है, और इतना लाइट वेट होने की वजह से इसका 15 Nm ऑफ टॉर्क भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं इस बाइक में, और थाईलैंड में ये बाइक लॉन्च हुई है, थोड़े से इस बाइक के अंदर चेंजेस किए गए हैं। होंडा CB150R का जो थाईलैंड का वेरिएंट है उसमें होंडा ने 3 कलर्स दिए हैं। सबसे पहला है आइवरी वाइट, सेकेंड है नाइट फायर रेड एंड थर्ड है स्पीड वे मैट ब्लैक। और यार ये तीनों कलर्स बहुत ही अच्छे हैं, इन तीनों ही कलर्स में बाइक बहुत ही अच्छी लगती है। और जो बाइक का रियर सेक्शन है तो वहाँ पे 150 मेंशन किया गया है क्योंकि ये 150cc की बाइक है, जैसे कि ड्यूक 250 में है। और सबसे बेस्ट और स्टैंड आउट फीचर्स इस बाइक के जो हैं, वो सबसे पहला तो है इस बाइक के अंदर DOHC इंजन है, और दूसरा इस बाइक की राउंड LED हेडलाइट, और इस बाइक के अंदर USD फ्रंट फोक्स, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, LED टेल लाइट। ये सारी चीजें होने की वजह से ही इस बाइक का प्राइस काफी हाई है। होंडा CB300R के प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इंडियन रुपीज के हिसाब से थाईलैंड में इस बाइक का प्राइस है 3.25 लाख, लेकिन होंडा CB300R के इंडियन वेरिएंट का प्राइस है 2.41 लाख, जो कि एक्सशोरूम प्राइस है। तो होंडा CB300R के हिसाब से अगर देखें, होंडा CB150R का इंडियन प्राइस रहेगा अराउंड 1.40 लाख, लेकिन यार होंडा ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है होंडा CB150R को लेके। लेकिन मेरा मानना यह है कि होंडा ने CB300R को अगर इंडिया में लॉन्च किया है तो उनको CB150R को भी इंडिया में लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि यार 150cc सेगमेंट के बारे में अगर बात करें तो यमहा की तरफ से MT-15 जो कि 15 मार्च को लॉन्च हुई थी, अभी तक तो यही लगता है कि वो बाइक एक फ्लॉप शो रही है और उस बाइक की सेल्स इतनी अच्छी नहीं रहेंगी। तो होंडा के लिए ये एक बेनिफिट है अगर वो CB150R को इंडिया में लॉन्च करते हैं तो इस बाइक को इंडिया में लोग ज़रूर लेंगे, लेकिन अभी तक ये क्लियर हुआ नहीं है कि ये बाइक इंडिया के अंदर आएगी या नहीं आएगी। खैर यार ये तो हमें 2019 के एंड तक पता चल जाएगा कि ये बाइक इंडिया के अंदर आएगी या नहीं आएगी। सो गाइज, होंडा ने CB150R एक्स मोशन को थाईलैंड के अंदर लॉन्च किया है होंडा CB150R स्ट्रीटर के नाम से। तो यार ओवरऑल बाइक के लुक्स बहुत ही बढ़िया हैं और तीनों ही कलर्स काफ़ी अच्छे हैं बाइक के, क्योंकि ये बाइक होंडा CB300R पे बेस्ड है जो कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, और ये दोनों बाइक्स आपस में काफ़ी पार्ट्स को शेयर करती हैं, तो ये बाइक इंडिया के अंदर ज़रूर लॉन्च होनी चाहिए। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।